हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे ब्लिंक इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हो अपने आईफोन में से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने आईफोन की सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आप लोगों को सबसे टॉप पर ऑप्शन मिला होगा, आपका नाम मिला होगा, आई क्लाउड की आईडी दिखी होगी, एप्पल आईडी, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपके पास सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक है दोस्तों। दैन आप लोगों के पास पेमेंट एंड शिपिंग का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है, थोड़ा सा बफरिंग होगा। दैन आप लोगों की एप्पल आईडी और उसका पासवर्ड मांगेगा, आप लोगों को वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आप लोगों के पास जो है ऑप्शन मिल रहा होगा आपका बैंक अकाउंट वगैरह का, तो आप लोगों को वो यहाँ से रिमूव कर देना है, और आप लोगों की जो बिलिंग वगैरह है वो आपको आई क्लाउड पर आ जाना है। दैन और यहाँ पर आकर आप लोगों को आ जाना है मैनेज स्टोरेज के अंदर, और ये थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करेगा, सिंपल आप लोगों को थोड़ा सा रुक जाना है, और फिर आप लोग यहां पर आके अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो अपने आईफोन में से। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।